Oh, bye. अरे अभी खोल के तो देखिए इसमें है क्या। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी है। कि मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें छिपने छिपाने वाली कौन सी बात। हाँ, साड़ी तो तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी? मामी सासू माँ को उस पैकेट को खोलने से रोकना होगा। चलिए अरे एक मिनट, काहे तुम दोनों इतना घबरा रहे हैं? अरे बैठो बहुरानी। हाय सृष्टि बहुरानी, तो बेटा कितना काम करती हो है तुम, अरे थक ना जाओगी। अरे आराम कर लिया करो, कुछ खा पिया करो है। नहीं तो सुरेखा जी हमसे क्या कहेंगे कि हमारे बिटिया की सास जो है वो हमारे बिटिया से कितना काम करवाती है। हाँ माँ, वो तो बोलेंगे ही ना, करवाती तो हो ही आप काम। आई तो हमार लाडो रानी है, हमार जिगर का टुकड़ा है। आई लो, आई लड्डू खाओ, खाओ। अरे तुम जो है ना, ये घर में जो पूरा दिन फुदकते रहते ना, यहाँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगता है, है ना अनुराग? हाँ हाँ माँ। वैसे आज तुम लोगों ने जो मजाक किया है ना, वो एकदम अलग था है। एकदम अच्छा था, हमारे सहेलियों के सामने जो है हमारे को छिछा लेदर हो गया है। अब वैसे इस उम्र में तुम लोग ना मजाक करोगे तो क्या हमारा उम्र में करोगे? लेकिन चलो, इसी बहाने जो है हमको ये पता चल गया कि हमारी दोनों बहू जो है वो छिप छिपा कर क्या कर रही है। अरे ऐसा बात को ना छुपता है का कभी? तुम लोग जो है ना सब गांठ बांध कर दिन गिन रहे हो कि कब जो है ये मन्नत पूरा हो जाए, और कहा हमको अम्मा ने इस मन्नत में फंसा दिया है ना। नहीं नहीं सासू मैया, ऐसा कोई बात नहीं है हुआ। कैसी बात है ना, वो हमें खूब पता है बहुरानी, हम ऐसे थोड़े ना बुढ़ा गए हैं। नहीं माँ, काहे अपने आप को बुढ़ा बोल रही हो, अभी तो आप जवान हो। नहीं नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं। देखिए ना, अब हम दोनों को ऐसे बेकार में शरारती कहती है, असली शरारती तो ये दोनों है। खबरदार, खबरदार जो हमारे दोनों बहुओं को जो है ना शरारती कहा तो है, इनका रहने से तो हमारे घर में रौनक ना रहता है। ये दोनों तो है ना मराक का पुतली है, हमारे जिगर का टुकड़ा। इनसे ना शरारत मत करना, तुम हम कह रहे हैं। हमारी आंख की पुतली। मिस्टर जी, सासू मियां ने हमें लाडो रानी का? हमें तो लगता है ये उनके गुस्सा करने का नया तरीका है। ओफो, आप दोनों भी ना बहुत ही बड़ी सक्की हो, मेरी माँ तो ऐसी है। सूरज प्रेमचंदा, आप तुम्हें यकीन हुआ ना कि सब कुछ ठीक है? वो कहते हैं ना विशु, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ऑल इज वेल। चले भैया, चलो। रागिनी, थोड़ी मिर्ची और डालो ना, वो क्या है ना कि आई लाइक इट वेरी स्पाइसी। अच्छा जी, आप भी। अरे हम रसोई में हैं, यहाँ पे देवी देवता का वास होता है, और आप देखिए क्या कर रहे हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आई मीन मैं कौन सा मेहमानों वाला काम कर रहा हूँ। छोड़िए छोड़िए विशु जी, ऐसे ही तो किया था हम विशु जी। अरे हाथ पे क्या लग गया? क्या लग गया? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
भाई जो है वो हमार बहुओं का ना क्या कहता है डिपार्टमेंट है, तुम दोनों का यहाँ कोनो जरूरत नहीं है, ये लोग संभाल लेंगी, पर तुमको साइट पर ना जाना है। अब हाँ माँ, वो साइट संडे माँ, संडे, संडे मतलब फंडे, तो संडे को नो वर्क। हाँ माँ, आज तो इतवार है का? बिसु बेटा, जब तुमको ये सब काम नहीं आता तो तुम काहे अपना दिमाग खपा रहे हो हैं? मैं नहीं आता इसलिए तो बनाना सीख रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना ये औरतों वाला काम जो है, का जरूरत है ये सब सीखने का है? चलो। अरे माँ वो क्या है ना, साथ में काम करते हैं तो प्यार बढ़ता है। अब मेरा मतलब है कि काम जल्दी होता है और आपसी समझ पड़ती है। माँ आप आराम कीजिए, हम और सृष्टि जी है ना आपको स्वादिष्ट खाना खिलाकर बनाएंगे। अरे वाह बुआ, आपने मटर कितनी जल्दी छील दिए। इस मटर से हम इतनी डिलीशियस सी सब्जी बनाएंगे ना, वो क्या नाम है उसका, नमूना। नमूना? नमूना? नहीं नहीं बाबा, निमोना। हाँ सॉरी सॉरी, वो हाँ वो निमोना, निमोना, निमोना बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, ठीक है? बिशु, अनुराग, ये तुम दोनों जो अपनी बहुरियों की मदद कर रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वैसे भी साथ मिलकर काम करने से ना काम अच्छा होता है, और हमारे घर का तो परंपरा ही यही है ना भाभी। याद है कैसे आप और भैया मिलके गर्मी के दिनों में पानी का छिड़काव करते थे साथ में? और अनुराग, जब घर में लिट्टी चोखा बनता था ना तो भैया का मस्त चोखा बनाते थे। हाँ। अच्छा, मतलब हमारे पापा भी ये सब काम किया करते थे। वेरी नाइस, फिर तो मैं और विष्णु तो पापा का नाम जरूर रोशन करें, क्यों विष्णु? हाँ भैया। जो तुम इन सबका दिलों में प्यार भरने का कोशिश कर रहे हो ना, हम उसमें तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आग लगा के रख देंगे इन सबका रिश्तों में। भाभी आप चाहे जितना आग लगाने का कोशिश करो, लेकिन हमारे रहते इनके प्यार तक नफरत का एक अंगारा भी नहीं आ पाएगा। बुआ माँ को कुछ सिखाया करो ना। उसे मानना पड़ेगा ये घर में अलग काया पलट हो रहा है। अब बुआ वैसे कितना नहीं मन महाकार आता रसोई में से ना, आई काका तह निमोना हमारे तो मुंह में पानी आके जाती है। निमोना खाने का ख्वाब जो है ना वो भूल जाओ, कहे कि हम तुमको उससे भी कुछ खास खिलाने वाले हैं। दोनों तो आपस में कटहल का लासा जैसा चिपक गए हैं, अब कैसे अलग कर रहे हैं? सृष्टि जी देखना, आज पापा है ना ज्यादा रोटियां जरूर खाएंगे, वो कहा है ना हम लोगों ने मिलके खाना बनाया है ना इसलिए। जी दिखाइए, आपने तो बहुत अच्छी रोटियां बनाई है। अनुराग बेटा, हम क्या कह रहे थे, वो मनोहर चाचा ना है, वो तो बीमार है, अस्पताल में है। तो हम ही कह रहे थे कि मनोहर चाचा जो है हमारे बहुते काम आए, तो तुम उनके पास चले जाओ हैं। अरे श्रीमती जी, अनुराग वहाँ जाके क्या करेगा? अरे मनोहर हमारा दोस्त है, क्या वहाँ क्या काम, वैसे भी खाना खा के हम वहीं जाने वाले। हाँ लेकिन गाड़ी चलाने वाला ना कोई होना चाहिए, शहर के बाहर का मामला है, अनुराग होगा तो आसानी ना होगा। अरे श्रीमती जी आप खामो खाम में परेशान हो रही हैं, हमने ड्राइवर बुलवा लिया है, वो हमको छोड़ देगा। अनुराग तुम अपना काम देखो बेटा। सोचो रेवती सोचो, कैसे अलग करें इन दोनों को। हम क्या कह रहे थे अनुराग बेटा, हमको ना तने दाल और चावल ना मंगाना है, और वो चक्की में से ना गेहूं की बोरियां भी मंगवाने हैं, तो हम क्या कह रहे तुम जाकर ले आना है। माँ ये काम तो हमने और भैया ने कल ही कर लिया था, कोई और काम है तो बताइए हम कर लेते हैं। वाह हाँ माँ, कल ही तो सारा काम खत्म किया हमने। हम क्या कह रहे थे, छत का ना काम करवाना है, कहा है कि अभी बारिश का ना मौसम आ जाएगा तो छत जो है बहुत कमजोर हो गया है, प्लास्टर भी जो है वो निकलने ना लगा है,
तो अनुराग बेटा तुम एक काम करो, सीमेंट का बोरी वोरी ले आओ और कोई मिस्त्री भी ले आओ है, तो छत का काम हो जाए। जी जी करवा लो। अरे का भौजी, अरे याददाश्त कमजोर हो गया का आपका? अरे फरवरी चल रहा है भाई, आप सावन का चिंता भी ऐसे कर रही हैं। और ये सब काम अनुराग का समझेगा, हम जाके अपना मिस्त्री से बतिया लेंगे, दो चार दिन में करके जाएगा। ठीक है। भैया पर एक बात हम कहना चाहते हैं कि दोनों जो बहुएं हैं ना, इनके घर में आने से ही घर का तो भाग ही खुल गया। अरे भाग तो खुल गया सही है, बाकी ऐसा पकवान पकाई है ना, हमारा भूख का भी भाग खुल गया। चारों मिलके पकाए, बिसु, अनुराग, सृष्टि और रागिनी। वाह भाई वाह, फिर तो आज हम दो रोटी ज्यादा खाएंगे। और सच कहा तुमने, मैं दोनों बहुओं की वजह से इस घर के भाग खुल गए, पर मैं दोनों बेटे भी किसी से कम नहीं है। सच में इन चारों के कारण ही ये घर इतना खिला खिला लगता है। हाँ माँ, हम भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके प्यार को, इनके रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। भाभी चटनी दे क्या आपको? नहीं। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। बहुत ही बढ़िया। ध्यान से परोसो ना, क्या कर? भगवान करे इन दोनों का मुस्कान ऐसे ही बना रहे। कोरिया कलाइया ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। क्या बात है बुआ, अब तुम हुए इनकी वैलेंटाइन के तैयारी में होगा का? वैलेंटाइन? हाँ वैलेंटाइन। भाई क्या होता है भाई? लो बुआ तुमको वैलेंटाइन नहीं मालूम? आई अंग्रेज लोगों के ना प्यार के देवता का त्योहार है। आ जानती हो ये दिन ना अपने में जुगल एक दूसरा को आई लव यू कहता है। हमको तो लगता है ना कि हम लोग कहीं जे जुगल जोड़ी है, पक्का एक दूसरा को इनकी आई लव यू कह देगा। आई लव यू अपना हिंदुस्तानी त्योहार जो है शिवरात्रि, वो तुमको याद नहीं है? अंग्रेजी त्योहार मनाने से का कहते तो वैलेंटाइन। वैलेंटाइन अब पूरा देखो, हम सबके चक्कर में ना महाशिवरात्रि भूल गए। आई चूड़िया बड़ा नहीं मन, हम ले लेकर आइए पहन लेंगे ना। रखो इसको नालछे कहीं की, जब देखो तब फुआई ले ले, फुआऊ ले ले। हमारा एक काम तो होता नहीं है। ठीक है नहीं दोगी तो इसे भी सब तुम्हारे देल है ना। अब फुआई को तुम्हारे भला के लिए बात कहें, का है ना कि तुम इस बारी वैलेंटाइन भगवान, हमारा मतलब है कि महाशिवरात्रि है ना, तो शंकर भगवान से तुम इनकी वरदान मांग लेना अनुराग बबुआ बड़की भौजी को अलग करने का। का है कि तुम हर बारी पुरजोर कोशिश तो करती हो, बाकी तुमको सफलता ना मिल पा रहा है। तो इनकी तुम पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ ही मनौती मांगना कि तुमको ना ये दोनों को अलग करने का मौका मिल जाए। अब उन दोनों का प्यार तो खाली बढ़ते जा रहा, हम तो ये कह रहे थे। वरदान तो हम जरूर मांगेंगे शंकर भगवान से, लेकिन का है ना भोले बाबा उसी का मुराद पूरा करता है जो अपना मदद खुद करे। शादी अम्मा लाभ हुआ जी, सब कुछ कितना सुंदर और पवित्र लग रहा है। हाँ बहुरिया अब सब ठीक है। नहीं माँ अभी सब ठीक नहीं है। लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। बिटिया का मतलब है? एक मिनट माँ।
ये शिवजी का त्रिशूल है, शिवजी की शक्ति का प्रतीक। और जहां शिव हो वहां शक्ति का निवास तो होना ही चाहिए ना। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पति अपनी पत्नी के बिना अधूरे। एकदम ही सही कह रहे हो ननंद रानी। शिव पार्वती का जब पूजा है ना वो जोड़े में ना होता है, वो भी एकदम श्रद्धा और शुचिता के साथ है। क्या कह रहे अम्मा जी, सही है ना? हाँ बड़की, यही विधि का विधान है। और हाँ सुनो, तुम चारों नहा धो के पवित्र मन से शिव जी का अभिषेक करना, हम गंगा जल मंगवा लिए। अब भाभी कौनो नया खेला खेलने वाली है, हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम भी घाट घाट का पानी पिए हैं ननंद रानी, तुम हमारे मन का तय कभी ना पा सकोगे। अब तुम बस देखती रहो हम क्या करते हैं। अरे नहीं नहीं विशु जी, हमसे नहीं हो पाएगा, आप प्लीज हिम्मत कीजिए। सृष्टि जी प्लीज हमारा बात सुनिए ना। सृष्टि जी अगर आप और हम शिव जी और पार्वती मैया का रूप धारण कर लेंगे ना तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें पुण्य मिलेगा। आपको याद है ना जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण जी का रूप धारण किए थे एकदम वैसे। सृष्टि जी प्लीज हमारा बात मान लीजिए ना। नहीं विशु जी प्लीज। सृष्टि जी आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, अब पता नहीं कैसा होगा। हमें आपका नहीं पता लेकिन हम पार्वती मैया नहीं बन सकते। सृष्टि जी आप कभी नहीं बनी है तो इस बारी बन के देखिए ना। सृष्टि जी जी सिस्टी आपका बात नहीं मान रही है। देखिए ना भाभी मान ही नहीं रहे हैं। इधर आइए हम बात करते हैं। कहाँ सिस्टी तुम भी, हाँ छोटी छोटी बातों पे हमारे देवर जी का दिल मत दुखाया करो। अरे पार्वती बनने के लिए कह रहे हैं तो क्या हुआ? अरे बन जाओ, अच्छा लगेगा सबको, क्या फर्क पड़ता है, बन जाओ। अच्छा लेकिन हम क्यों बने? इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो, तो उस हिसाब से तुम्हें और अनुराग जी को शिव पार्वती बनना चाहिए। अब बोलो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जब घर की बड़ी बहू तुम हो तो इन सारी चीजों में पहला अधिकार तुम्हारा ही तो है। हाँ बुआ जी आप भी छोटा बड़ा, अरे हम नहीं मानते फर्क को। अरे हम पार्वती बने या सिस्टी पार्वती बने बात तो एक ही है। नहीं भाभी वो है ना बिल्कुल सही कह रही है, आप और भैया शिव पार्वती मैया के रूप में है ना बहुत प्यारे लगेंगे। बिल्कुल सही, हम भैया से ना भी कह कराते। अरे अरे बिसु को हमने ना कहा था शिव जी का रूप धारण करने, इसका नाम भी तो हम शिव जी के ऊपर ही ना रखे हैं। शिव जी का दूसरा नाम विश्वेश भी तो है। और हमारे देवर जी है भी तो भोले भंडारी, शिव जी के रूप में ना बहुत फबेंगे। दुलारी दीदी हम करते हैं आपकी मदद। अरे दुलरिया को मदद करने का कोनो जरूरत नहीं है, अरे वो कर लेगी है। तो तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी वाला काम है, रसोई में ना हम एक कलश रख के आया है, उसको धो धा के एकदम साफ कर देना है और मंदिर के पास रख देना। काहे कि गंगा जल जो है उसी में ना भरा जाएगा और उसी से जो है उस शिव जी का अभिषेक भी होगा है। और इसमें देखो कोनो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है सासू में आप टेंशन मत लीजिए, हम करते कर लोगे ना। भाभी इतना प्यार से रागिनी को जिम्मेदारी दे रही है, कहीं इनका मन बदल तो नहीं गया? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, में नजर रखना होगा इन पर। ए दुलरिया चलो तुलसी का चौरा भी तो साफ करना है, चलो। इसे को बात है तुम ना हमारे सराफत का बहुत फायदा उठाती, सब कामें हमसे करा लो। अरे रागिनी रागिनी। अच्छी मिसेस, अरे अरे ये कलश तो हम साफ करके मंदिर के यहाँ रख के आए थे, आप ये आप सजाए हैं? हाँ इंजीनियर होने को कुछ तो फायदा हो, सारी इंजीनियरिंग मैंने यही लगा दी, कैसे लग रहा है? ब्यूटीफुल। थैंक यू। अब लाइए इसे दीजिए। दीजिए। अरे संभाल के, गंगा जल छलक जाएगा उसमें से। कैसे कैसे छलक जाएगा? ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरे दिल से तुम्हारा प्यार टपक टपक छलकता रहता है। क्या बात है मिस्टर जी, आप तो कवि बन गए। अब फिलहाल जो है ना अपने दिल का कलश बाद में छिड़काइएगा, ये जो है हम अभी रखाते हैं, ठीक है? अरे मैडम, ओ मैडम, तुमने मुझे इंजीनियर से कवि तो बना दिया है, अब आगे ना जाने क्या हाल करोगी। मुझे पता क्या लगता है? क्या लगता है? कि तुम्हारे प्यार में ना मैं एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। कहां मिस्टर जी, बर्बाद करेंगे हम आपको। हाँ
मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे बर्बाद करो, प्लीज बर्बाद। मिस्टर जी छोड़िए, अब जाइए, बहुत काम है, जाइए जाइए। लेकिन मेरी बात सुनो, ये जो है ना घिरना नहीं चाहिए। मिस्टर जी अब जाइए यहाँ से, मैं तो सासू मैया आ जाई। अरे आती है सासू मैया तो आने दो, मैंने डर मारा क्या? रागिनी क्या कर रही हो तुम? अगर ये गंगा जल छलक जाएगा ना तो माँ तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अच्छा आप भी सासू मैया से डरते हैं? रागिनी डरने की बात नहीं, देखो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि माँ तुमसे बहुत अच्छे से पेश आ रही है, अच्छे से बात कर रही है ना, तो मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई भी ऐसी छोटी सी गलती हो जाए जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम। ये बात तो हम भी नोटिस कर रहे हैं मिस्टर जी, सासू मियाँ का व्यवहार हमारे साथ बहुत ही अच्छा हो गया, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उनको कोई भी मौका दें हमसे नाराज होने का।